सीखने की प्रक्रिया जानते हैं जिंदगी भर चलती है, और जो इंसान सीखता है ना, मैं मानता हूँ कि वो सिखाने वाले से बहुत बहुत आगे होता है। मैं सिखाने वाले के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ, सिखाने वाले को ये चाहिए कि जीवन भर सीखते रहे, तो उसके ज्ञान का उसका दायरा बहुत बड़ा होता है। राम जी कैसे हैं, उनका आचरण कैसा है? बाबा लिखते हुए बताते हैं, प्रात काल उठी के रघुनाथ मात पिता गुरु नावही माथा आय सुमांगी करही सब काजा देखे चरित हर्षई मन राजा। अपने जीवन में कोई भी ऐसा आचरण नहीं करते ना जिससे उनके पिता को तकलीफ हो। पिता की बात छोड़ो, नगर में किसी को भी तकलीफ नहीं था राम जी के आचरण से। इसलिए लिखा बाबा ने कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाओ, जिसके लिए माता पिता अपना सब कुछ त्याग करके एक एक रुपया कमाई बचा करके उसको पढ़ाने लिखाने के लिए घर से बाहर भेजते हैं। उसको एहसास ही नहीं है कि हमारे माता पिता ने कितने कष्ट से हमको यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। इसका वजह जानते हैं क्या है? खेती के लिए समय है, पैसा कमाने के लिए समय है, वो सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने के लिए समय है, लेकिन अपने बच्चे के विकास के लिए समय नहीं है। रोज रामचरितमानस का ना पाठ करिए। आपके बच्चे के लिए आपको मैं थोड़ा सा प्रेरित कर रहा हूँ। उनको कोशिश